दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संदीप माहेश्वरी सर की सिस्टर के बिजनेस के बारे में। संदीप माहेश्वरी सर की सिस्टर कौन सा बिजनेस करती है? हाँ जी, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। उनका यहाँ पे ज्वेलरी डिजाइनर का काम है, लेकिन साथ ही साथ ज्वेलरी रेडी हो जाने के बाद ज्वेलरी को ऑनलाइन सेल करते हैं। ऑनलाइन कैसे सेल करते हैं भी जान लेते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि बिजनेस पूरा काम कैसे करता है, पूरा वर्क कैसे करता है और कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस शुरू कैसे हो सकता है। मान के चलिए आप खुद एक ज्वेलरी डिजाइनर हो जो कि संदीप माहेश्वरी सर की सिस्टर है ही, या फिर आप यहाँ पे ज्वेलरी किसी से ले लेते हो, यहाँ पे बल्क में ले लेते हो। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करना है। कैसे होता है? बहुत इजी है। जब आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे आपके पास यहाँ पे अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाएगी इंस्टाग्राम के मार्केटिंग के, बहुत ईजी है। विदाउट एक्सपर्टीज आप यूट्यूब का एक वीडियो देख के भी इंस्टाग्राम के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो। ज्वेलरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो ज्वेलरी दिखती है वही ज्वेलरी बिकती है। ज्वेलरी यहाँ पे आपको अच्छा सा फोटो लेना है, फोटो लेने के बाद आपको इंस्टाग्राम पे अपलोड करना है और आपको यहाँ पे बाय नाउ का जो ऑप्शन आ जाता है और आपको टारगेट कहाँ पे करना है, जो ये ज्वेलरी बाय कर सकते हैं, जो यहाँ पे ज्वेलरी की यहाँ पे बेहतरीन डिजाइन देखते ही पसंद आ जाए बाय कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? अमीर लोग पसंद करते हैं सब कुछ बाय करना। आपको दोस्तों आपके शहर के या फिर आपके आसपास के इलाके के लोग पता ही होंगे, जो कि यहाँ पे अमीर इलाका कहा जाता है ना, कोई एक शहर में अमीर इलाका होता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे शहर में एक राइजी बाग करके अमीर इलाका है जहाँ पे सब पैसे वाले लोग रहते हैं। अब वही दोस्तों ऐसी गोल्ड ज्वेलरी ये सब कुछ करते हैं। आपको यहां पे इंस्टाग्राम पे ऐसा टारगेट सेट कर देना है और आपकी एडवर्टाइजमेंट सिर्फ वहां के एरिया में, वहां पे जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं उन्हें ही दिखाई देगी, तो आपका सेल का चांसेस ज्यादा है। अब इस बिजनेस में सफलता कैसे मानी जाती है, अभी मैं बात करता हूं। मान के चलिए आपने 100 रुपए की एडवर्टाइजमेंट यहां पे इंस्टाग्राम पे दे दी, 100 रुपए की एडवर्टाइजमेंट दे दी और यदि आपकी इतनी ज्वेलरी बिक जाती है कि आपको यहां पे 200 रुपए का मुनाफा हो जाता है, सेल करने के बाद भी 200 रुपए का मुनाफा हो जाता है, यदि आपको इतना ऑर्डर मिल जाता है, फिर आपका यह बिजनेस प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट टाइप की ट्राई करनी होती है, ट्राई करते रहना है। फिर कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट होगी जो कि क्रैक हो जाती है और यहाँ पे आपका जितना एडवर्टाइजमेंट का स्पेंड है उनसे ज्यादा यदि आपका मुनाफा हो जाता है, सेल्स नहीं दोस्तों, सेल्स प्लस प्रॉफिट मुनाफा हो जाता है, फिर आप यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस में अच्छा खासा यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। एक दोस्तों सबसे बड़ा कैच है कि ऑनलाइन बिजनेस में सबको आना चाहता है, सबको ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेल्स भी ला रहे हैं, लेकिन सेल्स के साथ प्रॉफिट एडवर्टाइजमेंट ऐसी तगड़ी क्रिएट नहीं कर पा रहे। आप ये बिजनेस दोस्तों 100% कर सकते हो। मैंने इस वीडियो का टॉपिक रखा था जैसे कि संदीप माहेश्वरी सर की सिस्टर कौन सा बिजनेस कर रही है, ज्वेलरी का बिजनेस है, और उनके एक सेशन में संदीप सर ने बोला था कि आज अच्छा खासा रेवेन्यू बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर लिया कि कौन सी एडवर्टाइजमेंट कैसे तैयार करनी है और कहाँ पर एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे रखना है, कौन से इलाके में टारगेट करना है। आप इस बिजनेस के बारे में यदि डेप्थ में जानना चाहते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस, अब ये बिजनेस 5-10 हज़ार रुपए से शुरू हो जाता है, कमेंट में जरूर बता देना। मोर बिजनेस वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। मैं अगला वीडियो ऐसे ही लाने का यहाँ पे जरूर प्रयत्न करूंगा, ई कॉमर्स रिलेटेड फुल डिटेल वीडियो मैं आपके सामने रख दूंगा। धन्यवाद फ्रॉम सावंत सोजित्रा।